माय नेम इज़ सदफ़ खान और मैं यहाँ पर पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी में एक हफ़्ते से क्लासेस अटेंड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा आकर के, मैंने यहाँ पर आकर के बहुत कुछ सीखा जो शायद मैं कहीं और या फिर घर पर बैठ के ख़ुद भी नहीं सीख पाई थी। और यहाँ पे हमें रिजवान सर ने बहुत चीज़ें याद करवाईं, बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज गेन करवाई। मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, सेंसेस, इंडियन पॉलिटी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा 26 नवंबर 1949 में और इनैक्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 में। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया में 3 तरीके की नेशनल इमरजेंसीज लगती हैं। नेशनल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 352 में, और स्टेट इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 360 में। हमारे देश को चलाने के लिए 5-ईयर प्लान को भी बनाया गया, जिसका 5-ईयर प्लान का फर्स्ट पीरियड था 1951 से 1956। हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ाया गया, जिसमें से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारा राइट टू एजुकेशन जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए मतलब कंपलसरी है कि 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए, वो अंडर आर्टिकल 21A में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 आर्टिकल्स में आता है। सबसे मेन जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 31-32। इसे आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर को लाया गया था USA से, और हमारे ये फंडामेंटल राइट्स को भी USA से ही लाया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड से लाया गया था।